Thousands of tears later. क्या पाटिल, कैसा है? अच्छा है, तू बोल। अरे मैंने तेरे को इसके लिए कॉल किया था, अपना आफ्टर मूवी का काम किधर तक पहुंचा? चल रहा है भाई, आफ्टर मूवी का काम चल रहा है। हो जाएगा ना, पीडी जल्दी है। हो जाएगा। हाँ चल चल, बाय बाय। हाँ चल, बाय बाय। We'll be right back.
everyone, this is Chris Light Dhruv Sandeep Kadam, President of Christian 2022. Hello everyone, this is Tej Mulin Joshi, Vice President of Christian 2022. Hello everyone, this is Rahul Sandeep Kajolkar, General Secretary of Christian 2022. So we are at the end of our beautiful event with the occasion of Pride Institution Celebration. सबसे पहली चीज जो अभी याद आ रही है दैट इज द क्रिसमस कैरल. वो दिन याद है जब हम लोग की सीसी फॉर्म हुई थी और कुछ आइडिया नहीं आता. पोस्ट मिलने की खुशी तो थी ही नहीं. इट वाज जस्ट वन थिंग, इवेंट कैसे करना है, वॉलेंटियर्स को, एचओडीज को लेगेसी कैसे पास ऑन करना है, दैट वाज द अल्टीमेट गोल वी हैड. जब सीसी फॉर्म हुई थी तब इवेंट के लिए हाथ में बहुत कम दिन बचे थे. हम सब लोग सोच रहे थे कि कैसा करेंगे इवेंट. तो सीसी के चेहरे पे भी बहुत खुशी थी, सब लोग बहुत खुश थे. और उन लोग का वो कॉन्फिडेंस देख के, उन लोग का वो जोश देख के ऐसा लगा यस वी ऑल कैन डू इट. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वॉज माई फेवरेट दैट इज द सीसी वॉलंटियर्स. ये साल बेस्ट, मतलब जितना उन लोग से एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज़्यादा, कई गुना, दे वर द बेस्ट. मुझे आज भी याद है इवेंट्स के बारे में. हम लोग ने एक स्पेशली मीट रखा था शुभम के लिए क्योंकि इवेंट में बहुत इश्यूज हो रहे थे, कुछ फाइनलाइज नहीं हो रहा था. एट दैट टाइम शुभम को हम लोग पूछने वाले थे कि तुझसे होगा या नहीं, बट उससे पहले ही शुभम हमारे पास आया. उसने हमसे कहा कि इवेंट्स की वजह से दिस चीज़ को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा. एंड एट द एंड उसने इतने एफर्ट्स दिए, उसके वॉलेंटियर्स, उसके एचओडीज ने इतने एफर्ट्स दिए कि 12 के 12 इवेंट्स बहुत स्मूथली कंडक्ट हुए और उसके ऊपर इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि दैट वॉज वेरी ग्रेट. वो सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था हमको. और सबसे बड़ी चीज इट वॉज लाइक पहली बार हिस्टोरिक मोमेंट था पूरे क्रिसलिस के 18 सालों में. फर्स्ट टाइम इवेंट्स 12 थे एंड विच वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस. एंड मतलब थोड़ा हार्ड भी था बट इवेंट्स शुभम did it a great job. जैसे जैसे ऑन डे नजदीक आता गया वैसे वैसे स्पॉन्सर्स का टेंशन भी बढ़ता गया, बट शर्वरी और उसके एचओडीज ने बहुत अच्छे से हैंडल किया. ऑन डे के सारे रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली फुलफिल हुए एंड जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा काम स्पॉन्सरशिप का हुआ. एज वी नो पीआर इज पीआर, पीआर का काम पहले दिन से बहुत स्मूथली और अच्छे से जा रहा था. कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, कोई इश्यूज नहीं थे. और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि पीआर इस साल ऑल ओवर महाराष्ट्र में हुआ. हम लोग का पहला मैच था जिसमें ऑल ओवर महाराष्ट्र से पार्टिसिपेंट्स लाए और इवेंट कंडक्ट किया. एंड उसके पीछे राधिका और उसके एचओडीज का बहुत बड़ा एफर्ट्स है एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम. डॉक्यूमेंटेशन का काम इवेंट के पहले चालू हो गया और पीडी के बाद ख़त्म होगा. बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे बट मिताली और उसके एचओडीज ने वो अच्छे से सॉल्व किए एंड दे डिड वेल. अब आते हैं मेरे लास्ट ईयर के डिपार्टमेंट पे, दैट इज टेक्निकल डिपार्टमेंट. ये साल गलतियाँ हुई बट जैसे जैसे इवेंट नजदीक आते गया दे हैव इम्प्रूव्ड. और ये जो अभी शूट कर रहे हैं वो भी टेक्निकल वाला ही कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है. बट आई एम प्राउड ऑफ यू टेक्निकल डिपार्टमेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू. टेक्निकल के जीएम पे आए तो प्रथम थोड़ा डर रहा था इस साल क्या होगा कैसे होगा डिपार्टमेंट को लेके, बट इट्स लाइक हो गया. और प्रथम के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूँ, टेनामेंट्स उसका डिपार्टमेंट है, रहेगा, और एज ऑलवेज उसने वो काम किया. टेक्निकल और टेनामेंट्स उसके डिपार्टमेंट है. क्रिएटिविटी का काम चालू होने के लिए थोड़ा डिले हुआ बट इतने कम समय में इतने अच्छे इंस्टॉलेशंस करना दैट वाज वेरी इम्पॉसिबल. और नया नया और उसकी टीम ने वो करके दिखाया. स्पेशली थैंक्स टू अर्चना मैम और विमुक्ता मैम जिन्होंने इतना आइडिया दिया कैसा करने का कैसा नहीं करने का. और क्रिएटिविटी टीम ने जो एफर्ट्स दिखाए अपने इंस्टॉलेशन कम्प्लीट करने के लिए दैट वॉज वेरी सुपर. सो फाइनली ये जो भी तुम लोग से शेयर किया है, हम लोग की मेमोरीज, हमारे सीनियर्स की बातें, जो भी है, इट इज जस्ट अ चैप्टर ऑफ वन ऑफ द बुक दैट इज कॉल्ड क्रिसलिस. एंड इट्स लाइक एक ही चीज बोलूंगा, नेक्स्ट ईयर आओ हम लोग के जगह पे. जो हम लोग ने बेंचमार्क सेट किया है उससे कुछ बढ़िया, उससे कुछ ज्यादा करके बताओ. मेक अस फील प्राउड, दैट्स ऑल वी वॉन्ट. बिकॉज एक मोटिव हम लोग का भी था, तुम लोग का भी होना चाहिए कि
लेट्स जस्ट पास ऑन द क्रिसमस लेगेसी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और इट्स लाइक करो एंजॉय करो, जैसे इमोशंस है वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, इसीलिए उसको कोर कमिटी बोलते हैं. एंड इट इज लाइक हैंड इन हैंड चलो इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, और कुछ करके बताओ, कुछ करके दिखाओ लोगों को. एंड इट्स लाइक गो फॉर इट गाइज, ज़्यादा टेंशन मत लेना. ये साल मैंने भी बहुत गालियाँ झाड़ी है सबको, पर इट्स लाइक हीट ऑफ द मोमेंट सबका रहता है. एक ही चीज़ बोलूँगा, वंस अ क्रिसलाइट ऑलवेज अ क्रिसलाइट. जैसे हर साल नए वॉलंटियर्स आते हैं, नए लोग आते हैं क्रिसमस में, एक चीज़ हमेशा होती है, दैट इज क्रिसमस फैमिली का एक्सटेंशन, जो बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि क्रिसमस हम लोग को एक चीज़ सिखाती है, फैमिली इज ओवर एवरीथिंग. मेंटेन दैट एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी सिंगल वन प्रेजेंट ईयर. Last but not the least, I would like to say thank you to all my college authorities, including business coordinators and my volunteers, CC members. Because of you guys, Chrislis 2021-22 was a great grand success. I wish you very all the best for upcoming years. Finally, we are here at the end of this prize distribution, Chrislis, sab khatam hua abhi. And it is like, we would love to say this, that Chrislis is not just an event, it's an emotion. I Chrislite Dhruv Sandeep Kadam. I Chrislite Tez Milind Joshi. I Chrislite Rahul Sandeep Kajrolkar. President of Chrislis 2022. Vice President of Chrislis 2022. General Secretary of Chrislis 2022. Signing off. Thanks, Anna. सावंत, इसी बात पे स्लोगन लेना. Hey y'all, come look at this. Har aasma se unchi hai, samandaron se gehri, aisi waisi दोस्ती नहीं, ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है. छाँव में धूप में जाने कितने रूप में, ये तपी है ये जली है. सोना बन के ये मिली गली सकती नहीं, ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी.
क्रिसलिस ये सिर्फ नाम नहीं, ये तो एहसास है। खुली आंखों से देखा एक खूबसूरत ख्वाब है, क्यों सच कहा ना। तो आओ फिर ले चलूं उसी सफर पे, उन टेढ़ी मेढ़ी डगर पे, जहाँ जहाँ गिरते संभलते, लड़ते झगड़ते, रूठते मनाते, हंसते हंसाते, सीखते सिखाते, देखा सभी ने सिर्फ एक ही ख्वाब था। ख्वाब कुछ कर दिखाने का, ख्वाब नई बुलंदियों को पाने का, ख्वाब आने वाले कल को कुछ सिखा जाने का, ख्वाब एक स्वर्णिम इतिहास बन जाने का। यूं तो इस सफर में कठिनाइयां बहुत थी, पैसों की तंगी, पार्टिसिपेंट्स की मंदी और उस पर टीचर्स की निगरानी टाइट, पर जो हर मुश्किलों को पार करे वही तो है ग्रेसलाइट। सीसी का प्यार, डांट फटकार, वॉलंटियर्स का साथ और सभी के आत्मविश्वास का परिणाम है क्रिसलिस। हाँ, खुली आंखों से देखा एक खूबसूरत ख्वाब है क्रिसलिस।